स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसमें मैंने शुरू किया था गोलीय दर्पण। अब आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण कौन से? दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो पढ़ने से पहले कुछ बातें याद रखनी है, वो मैं बता रहा हूं। देखो, ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष बता रहा पहले, ये P इसको ध्रुव बोलते हैं, F मुख्य फोकस, C वक्र का केंद्र, ठीक है, वक्र का केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। अब कुछ बातें याद रखने योग्य हैं, कौन कौन सी? अगर प्रकाश को, प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जैसे ये आई, तो ये दर्पण से टकरा कर मुख्य फोकस से जाएगी। ये बात याद रखना, प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आती है तो वो दर्पण से टकरा कर या परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती है। चाहे कोई भी आए इसके समानांतर, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, यहाँ से आए, सब टकरा कर मुख्य फोकस से जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये दर्पण है कौन सा? अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश की कोई किरण, देखो यहाँ अगर समानांतर आती है तो मुख्य फोकस से जाएगी, अगर प्रकाश की कोई किरण मुख्य फोकस से जाती है तो वो दर्पण से टकरा कर समानांतर हो जाएगी। अगर प्रकाश की कोई किरण आपतित किरण जो आने वाली है, अगर वो मुख्य फोकस से गुजरती है पहले, तो वो दर्पण से टकरा कर और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। बात समझ आ गई? तीसरी बात, दर्पण, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष पी ध्रुव, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश की कोई किरण किसी कोण से ध्रुव पे टकराती है, मान लो ये किसी कोण से, ये कोई कोण है, इस कोण से ध्रुव पे टकराती है तो वो उतने ही कोण से वापिस मुड़ जाएगी, ठीक है। ये आई, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा। बात समझ आई? अब ये फोर्थ पॉइंट, अगर प्रकाश की कोई किरण, ये अवतल दर्पण थोड़ा बड़ी बना, चौथी बात याद रखनी है, ये अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश की कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो दर्पण से टकरा कर वापिस उसी दिशा में मुड़ जाएगी, जैसे ये गई, तो ये दर्पण से टकरा कर वापिस इसी दिशा में आ जाएगी। प्रकाश की कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है टकराने से पहले, तो वो दर्पण से टकरा कर वापिस उसी रास्ते पे मुड़ जाएगी। ऐसा मैंने समतल दर्पण में भी बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ आती है तो वो वापिस उसी दिशा में मुड़ जाती है। इसका मतलब है इस बिंदु पे इस किरण के लिए जो आपतन कोण होगा वो जीरो होगा। एक बात याद रखना, परावर्तन के नियम गोलीय दर्पण में भी लागू होते हैं, ये हर जगह लागू होते हैं। कैसे? जैसे ये प्रकाश की किरण यहां से चल के इस बिंदु पे टकराई, तो इस बिंदु पे अभिलंब खींचोगे, देखो ऐसे लोगे, ऐसे देखोगे तुम, तो इस बिंदु पे अभिलंब ऐसे बनेगा, इस तरह से, ठीक। तो इसके साथ वाला ये कोण और ये कोण ये बराबर होंगे, तो परावर्तन का नियम
जहां जहां किरणें टकराती है, चाहे गोलीय दर्पण है, चाहे सतह चिकनी है, चाहे खुरदरी है, किसी भी प्रकार की है, सभी जगह पे परावर्तन का नियम लागू होता है। ये बात याद रखनी है भाई, ठीक है। ये तो अवतल दर्पण की बात होगी, उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होगा, उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है। ध्रुव, ठीक है, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है, ये आई टकरा कर वापिस जाएगी, ये आई टकरा कर इधर जाएगी, तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, बात समझ आएगी इतनी सी। प्रकाश की कोई किरण किसी बिंदु किसी कोण से ध्रुव से टकराती है तो उतने ही कोण से मुड़ जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का, जो चीजें अवतल दर्पण में है वैसी सेम उत्तल दर्पण में लागू होंगी। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा, हमने उसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मतलब उसकी स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब कैसा होगा उसकी प्रकृति मतलब आभासी होगा कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, ठीक है। तो उसकी स्थिति देखेंगे हम, उसकी प्रकृति देखेंगे, और भाई उल्टा है कि सीधा है, ये चीजें हमने देखनी है। अब देखते हैं, पहले अगर वस्तु ऐसी वस्तु जो अनंत पे रखी हुई है, अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनाता है, जैसे अनंत पे सूर्य है, जैसे अनंत पे रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण कैसे बनाएगा, तो अवतल दर्पण हम बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाने के लिए ये हमने पेंट कर दिया, पीछे ये मुख्य अक्ष बनाया, ये पी ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। वस्तु रखी हुई है अनंत पे, सारी की सारी किरणें हमें समानांतर आती हुई दिखाई देंगी, तो वस्तु अनंत पे है, ये आई प्रकाश की किरण अनंत से, ये भी आई प्रकाश की किरण अनंत से। अब मैंने बताया था अगर प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह टकरा कर मुख्य फोकस से जाती है, ठीक है, ये गई। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे तो बहुत सारी किरणें आएंगी जो दीप्तमान वस्तुएं हैं, जहां से प्रकाश आता है उसमें प्रकाश की बहुत सारी किरणें होती हैं, लेकिन हमें कोई दो किरणों को ही लेना है, तभी हम इस रे डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें सिर्फ दो किरणों को लेना है, एक मान लो एक तो ये ले ली जो समानांतर आई है, इसके अलावा कोई ये एक ये ली, एक ये दूसरी ली, ठीक है, क्योंकि हम इसके अलावा दूसरी की बात क्यों करें कि भाई वो सी में से गुजर गई है, क्योंकि सोर्स जो है प्रकाश का जो सोर्स है वो इतनी दूरी पे है कि वो किरण इसमें से हो सकता है कि हमें पता ही नहीं चलेगी वो इसमें से गुजर रही है, वो तो सारी हमें अनंत से आती हुई दिखाई दे रही है, समानांतर ही आती हुई दिखाई देंगी, तो जितनी भी किरणें आएंगी वो सारी समानांतर ही आती हुई दिखाई देंगी, तो ये इससे टकराएंगे और मुख्य फोकस पे जाके मिल जाएंगी, तो इस बिंदु पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, स्थिति क्या होगी मुख्य फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस पर। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा, वास्तविक वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि किरणें वास्तविक काटी एक दूसरे को काटती हैं, वास्तविक रूप से काट रही है, देखो गई टकराई इधर से गई और टकराई एक दूसरे को काटा, तो सच में काट रही है, हकीकत में काट रही है, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, स्थिति का मुख्य फोकस में बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब बनेगा भाई उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और
पॉइंट साइज, पॉइंट मतलब बिंदु के साइज का होएगा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा। देखो सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। पृथ्वी भी सूर्य का एक छोटा सा पार्ट माना जाता है, तो सूर्य बहुत बड़ा है और उस उसका छोटा सा बिंदु जैसा कागज पे हमें दिखाई दिया, वो जो बिंदु सी दिखाई देती है चमकीली सी, वो प्रतिबिंब है सूर्य का। देखो कितना छोटा है, तो ये तो बिंदु आकार का दिखाई दिया, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा दिखाई देगा, उल्टा होगा, ठीक है भाई, उल्टा। तो अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पे, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब हम बात करते हैं, अगर वस्तु किसी दूरी पे रखी हुई है, ये अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण है मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वस्तु अनंत पे नहीं रखी हुई है, हमें पता है कोई निश्चित दूरी पे रखी हुई है, उस दूरी का हमें पता, यहाँ पे रखी है कहीं पे, ये वस्तु रखती है 2c से परे, हम इसको क्या कहेंगे, 2c से, सॉरी c से परे वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र से पीछे रखी हुई है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखते हैं। अब हमने कोई दो किरणें लेनी है, समतल दर्पण में मैंने बताया था कि इस वस्तु में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं, ठीक है, और सभी से किरणें निकल के इससे टकराएंगी, तो इस बिंदु से जो किरण गई वो समानांतर गई, और समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से ये गुजरेगी, ठीक है। और मैंने बताया था अगर प्रकाश की कोई किरण ध्रुव पे किसी कोण से टकराती है, ये किसी कोण से टकराएगी तो उतने ही कोण से ये मुड़ जाएगी, तो ये हो गया, तो यहाँ पे काटेंगी ये इतना वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इतना वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो उल्टा, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की साइड बने तो वो उल्टा ही होता है, तो मुख्य अक्ष के नीचे ही बना है तो ये उल्टा है। अगर वस्तु, देखो स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ रखी थी, सी से परे, जब वस्तु सी से परे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, स्थिति क्या है, सी और एफ वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, कैसा होगा, छोटा होगा, ये वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है भाई, छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और सी और एफ के बीच में बनेगा, ये बात होगी कब की, जब वस्तु सी से प्रेरित हुई है। अब हम बात कर लेते हैं, अब वस्तु रखी है कहाँ पे, अब वस्तु रखी हुई है सी पे, वक्रता केंद्र पे हमने वस्तु को रख दिया, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र पे, समानांतर जाएगी कोई किरण, ये समान तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, प्रकाश की कोई किरण जो मुख्य अक्ष से समानांतर जाती है वो टकरा कर मुख्य फोकस से गुजरती है, और प्रकाश की कोई किरण अगर किसी कोण से इससे टकराती है तो वो उतने ही कोण से वापिस मुड़ जाती है। अब देखो ये थोड़ी सी बनाने में गड़बड़ होगी भाई, इस तरह से आएगा, तो ये यहाँ पर छेद करेंगे एक दूसरे को, यहाँ काटेंगे इस बिंदु पे, ये काट रही है तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जहाँ काटेंगी वो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो
जितनी वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना ही है। ये वस्तु है ये इसको बिंब कह लेता हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ ये बिंब, और ये क्या है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बना देखो, अगर वस्तु वक्र का केंद्र पे है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। ये पेपर में बहुत आता है ये स्थिति। तो अगर वस्तु वक्र का केंद्र पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी वक्र का केंद्र पर ही बनता है, उल्टा होता है, समान साइज का होता है, वास्तविक होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब अगली स्थिति, अगर वस्तु ये वक्र का केंद्र, अगर वस्तु को हमने रख दिया सी और एफ के बीच में, अब कहाँ बनेगा, वही दो किरणें लेनी है, जो किरण मुख्य अक्ष से समानांतर है वो जाएगी कहाँ पे, मुख्य अक्ष से होती हुई जाएगी, और प्रकाश की कोई किरण अगर किसी कोण से इस पे टकराती है तो वो उतने ही कोण से मुड़ जाएगी, ये गई ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बना सी से परे, सी से परे। तो वस्तु की स्थिति क्या है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में है, वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से परे, सी से परे। कैसा बना, बड़ा होगा ये, उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, ये बात याद रखना। अब अगली स्थिति, अब वस्तु कहाँ पे है, अब वस्तु को रख दिया हमने मुख्य फोकस पे, वस्तु को कहाँ पे रख दिया, मुख्य फोकस पे, वक्र का केंद्र मुख्य फोकस, वस्तु को मुख्य फोकस पे, वस्तु की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस वस्तु की स्थिति है, ये यहाँ वस्तु रखी हुई है मुख्य फोकस पे, तो समानांतर जाती हुई किरणें टकरा कर किसमें से जाएगी, मुख्य फोकस से, अगर प्रकाश की कोई किरण ध्रुव के किसी कोण से टकराती है तो वो उतने ही कोण से मुड़ जाती है, एंगल नहीं, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये गई, ये आई, ये गई, ये आई, ये देखो ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, और प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। अगर वस्तु रखी हुई है एफ पे, मतलब मुख्य फोकस पे, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, कैसा होगा, वही वास्तविक होगा, बड़ा होगा और उल्टा होगा। अगली स्थिति देखते हैं, ये सबसे खास है, ये भी पेपर में बहुत आता है, ये अवतल दर्पण